आज मैं बनाने जा रही हूँ पटल भाजा। स्पेशल किचन में मेरा आपका स्वागत है। बंगाल में सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मुश्किल से 1 मिनट लगता है बनाने में, बनने में 5 मिनट, 4 से 5 मिनट लगता है। बहुत इजी होता है। अगर आपके घर में आलू नहीं है जैसे कभी, और कभी आपका मसाला नहीं खाने का ज़्यादा मन है, सिंपल सा दाल चावल के साथ आपको खाना है, या सिर्फ चावल के साथ या रोटी के साथ, तो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ पटल भाजा, जिसको हम लोग बोलते हैं परवर। ये गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, इसको मैंने ऑन कर दिया था गैस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी इसमें। तेल एकदम गरम हो गया है, ये इसमें जरा सा मैं टर्मरिक पाउडर डालूंगी। ये टर्मरिक पाउडर हमारा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैं क्या डालूंगी। इसमें मैं आप कुछ भी नहीं डालूंगी, इसमें बस मैं पटल को डाल दूंगी। ये मैंने पटल को इस तरीके से कट के रखा था, इस शेप में। इसको पहले छील लिया और फिर उसके बाद इस शेप में काट के इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसका पानी सारा झड़ गया है। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको चलाना है। ना इसमें कोई मसाला, कुछ भी नहीं ऐड करना है सिवाय नमक के, क्योंकि नमक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नमक के बगैर तो हर खाने का स्वाद बेकार है, आप तो जानती हैं। तो मैंने अच्छे से इसको चला लिया है। इसमें थोड़ा सा इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दूंगी। ये मैं सॉल्ट डाल देती हूँ, जरा सा डालिएगा, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता सॉल्ट कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, इसलिए आप थोड़ा सा ही डालिए। बाद में आपको कम लगे तो आप फिर से डाल सकते हैं। जैसे हम लोग कलौंजी बनाते हैं ना, सेम वैसा ही प्रोसेस है, लेकिन कुछ हटके हैं। इसमें कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय टर्मरिक, और गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है, और सॉल्ट के अलावा कुछ भी नहीं डालना है। अब इसको हम कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। ये हम एक बार अच्छे से पटल को चला देंगे। इसका फ्लेम थोड़ा गैस का बढ़ा देंगे, क्योंकि तभी जाके इसका पानी जो है सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा गैस की वजह से। फिर ये एकदम ड्राई ड्राई क्रंची हो जाएंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा दिया है, इसको मैं एक बार और ढक दूंगी। ये देखिए बन के हमारा पटल भाजा रेडी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। खाने में विश्वास मानिए बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट वेरी सिंपल है, आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, ये सारे पटल भाजा को निकाल देंगे।